नमस्कार, मैं उप्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। एक बार फिर से बिहार के प्रत्येक जिलों के पर्यटन स्थानों की जानकारी को लेकर आपके सामने हाजिर हो। और आज हम बात करेंगे शेखपुरा जिले की। शेखपुरा मगध एवं अंग संस्कृति का संधि स्थल है। इस पवित्र धरती का संबंध महाभारत काल, पाल वंश तथा मुस्लिम शासकों से जुड़ा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं शेखपुरा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गिरिहिंडा पहाड़ की। शेखपुरा को गिरिहिंडा पहाड़ के रूप में प्रकृति का अमूल्य वरदान मिला है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 500 फीट है, जिसकी चोटी पर एक शिव मंदिर है, जिसे बाबा कामेश्वर नाथ की मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी चोटी से नीचे देखने पर टेढ़ी मेढ़ी नदियों के उजले रेत, बगीचों एवं उपवनों की झुरमुटे तथा लहलहाते खेत अत्यंत ही मनोहर प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करता है। जिला प्रशासन द्वारा इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु इसके चोटी पर बाल उद्यान, कैंटीन, फव्वार, हाई मास्ट लाइट तथा इसकी चोटी पर मोटर वाहन द्वारा पहुंचने हेतु 2200 फीट लंबे पक्के सड़क का भी निर्माण करवाया गया है। मान्यता है कि गिरिहिंडा पहाड़ का संबंध महाभारत काल में से है। कहा जाता है कि गिरिहिंडा पहाड़ पर ही हुंडा नामक दानवी से महापराक्रमी पांडव पुत्र भीम ने गंधर्व विवाह किया था। अब आगे हम बात करेंगे विष्णुधाम मंदिर के। जिले के सामस गांव में स्थित विष्णुधाम मंदिर में भगवान विष्णु की 1100 वर्ष पुरानी अद्भुत मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति 7.5 फीट ऊंची जबकि 3.5 फीट चौड़ी है। भगवान विष्णु की यह काले पत्थर से बनी मूर्ति खड़ी अवस्था में है और इसके चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। इतिहासकारों का मानना है कि मूर्ति पर जिस तरह की लिपि लिखी गई है, उसका उत्तर भारत में मिलने का प्रमाण 9वीं सदी के बाद का है। इस मूर्ति में एक और खासियत यह है कि मूर्ति पर मूर्तिकार का नाम सिद्धदेव भी उकेरा गया है। भगवान विष्णु की यह मूर्ति तालाब में खुदाई के वक्त 1992 में मिली थी। मंदिर में भगवान विष्णु के मूर्ति के साथ दो अन्य छोटी मूर्तियां भी हैं, पर किस देवी देवता की है यह ज्ञात नहीं हो पाया है। हालांकि इसके साथ ही खुदाई में कई अन्य और मूर्तियां भी मिली थी, जिन्हें सामस गांव के ही जगदम्बा मंदिर में रखा गया है। कुसेड़ी गांव का पंचमुखी शिवलिंग मंदिर के बारे में अब हम बात करेंगे। कुसेड़ी गांव में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग अपने आप में अद्भुत शिव मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित यह शिवलिंग लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। इस अति दुर्लभ तथा प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शेखपुरा जिला के अलावा पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। यह अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले भगवान शंकर का एक प्रतिरूप है, सर्वमान्य है। यहाँ हर महीने सोमवार को अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है, परंतु सावन महीने के हर सोमवार पर यहाँ हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोगों की मान्यता है कि इस पंचमुखी शिवलिंग से वंश वृद्धि के साथ सौभाग्य की रक्षा और वैवाहिक आकांक्षा पूरी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे मटोखर दह की। शेखपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिमी एवं शेखपुर सराय प्रखंड से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित मटोखर दह तालाब अपनी पवित्रता एवं रमणीयता के कारण एक अलग स्थान रखता है। टाटी नदी का किनारा और पहाड़ी इस क्षेत्र के अनुपम रूप में चार चांद लगाते ही है। साथ में गौतम बुद्ध द्वारा यहाँ अपने शिष्यों को उपदेश देने के कारण इस पवित्र स्थान का अपना एक अलग महत्व है। इस तालाब के निर्माण के संबंध में तरह तरह की किदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इससे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम के आदेश पर ग्वाला वालों द्वारा खुदवाया मानते हैं। कुछ लोग इसे महाबली भीम द्वारा खुदवाया बताते हैं। कुछ इसे एक राजा द्वारा दही बेचने वाले के आग्रह पर खुदवाया गया बताते हैं। ख्वाजा बदरुद्दीन नामक फकीर के कहने पर तालाब निर्माण की बात मानने वालों की भी कमी नहीं है। प्रमाण के तौर पर तालाब किनारे अवस्थित दरगाह है, जो मुस्लिमों एवं हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जानकारों का कहना है कि तालाब के उत्तर और दक्षिण की ओर टीले हैं, जो इसके वास्तु के लिहाज से द्वापर युगीन होने की पुष्टि करते हैं। अन्य गंतव्यों में आप शहर के बड़ी दरगाह स्थित ख्याति प्राप्त हजरत शेख शाह शुएब रहमतुल्लाह अलैह मजार, अघोरती पोखर और तेहरपुरा मंदिर जा सकते हैं। बिहार के पर्यटन स्थलों में आज हमने आपको शेखपुरा जिले के पर्यटन स्थानों के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं, तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है, हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने अगले वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।